Edition of Jaipur Literature Festival, protected by tall, Banega, Swasth India, and we are at Bank of Baroda Mughal Tent. We're delighted to introduce Is Hindi the New Cool? This session is presented by Akank. The Hindi language has become the new cool, especially among the millennials. The new digital media like YouTube, podcast channels, and Instagram have given a platform to those who've not only grown up loving the language, but have also learned the bread and butter through it. From being treated as a difficult language of the past, it has become the preferred mode of creative expression. What is the story behind this change? Who are the key players? What is the way forward? Authors Nishant Jain and Divya Prakash Dubey in conversation with publisher and editor, Aditi Maheshwari Goyal. Divya Prakash Dubey is a Hindi writer and storyteller who has a number of best selling books to his credit, including Akku Baku, Ibn Batuti, and Musafir Cafe. His audiobooks are some of the most loved shows on Amazon's Audible, and he belongs to a new strain of Hindi authors who are rewriting the rules of the game. Nishant Jain is an IS officer and a writer who has authored non-fiction books in Hindi and English. He was awarded an M.C. degree in Hindi literature by the University of Delhi and his self-help book, Rukjana Nahi and Don't Quit, have been very well received by young readers. Presently, he's posted as Director of Tourism, Government of Rajasthan. Aditi Maheshwari Goyal is the Executive Director at Vani Prakashan Group,

है तो कितनी और नहीं है तो क्यों इन सब मुद्दों पर बात होगी हम तीनों ही यहाँ एक ऐसी पीढ़ी के हैं जहां हमने अखबार से सोशल मीडिया पर अपना सफर तय किया है हमने कहीं ना कहीं अपनी पहचान सोशल मीडिया पर बनाई है और जीवन में अपने करियर्स तो हम पीछे पीछे कुछ कुछ कर ही रहे थे लेकिन आप लोगों से जुड़ाव सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ अब बात करें अगर सोशल मीडिया की और उस पर इस्तेमाल हो रही भाषा की तो ये जानना और समझना बहुत जरूरी होगा कि किस तरह से पिछले एक दशक में इसके कायदे कानून टर्म्स एंड कंडीशंस बदले तो बात शुरू करते हैं अपने दोस्त दिव्य से जिसने एक बड़ा कॉर्पोरेट करियर पीछे छोड़ा और पूरी तरह से हिंदी में लिखने के लिए आ, अपना एक स्थायी नौकरी एक जीवन में जो कॉन्फिडेंस सपोर्ट होता है कि चलिए एक है हमारे पास हम उसपे जमे रहेंगे और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा इतना बड़ा रिस्क लिया कि उसे छोड़ा और किताबों की ओर आ गए दिव्या आपकी यात्रा कई बार क्या होता है जब आदमी बताता है ना कि उसने नौकरी छोड़ी हीरो हो जाता है नहीं 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 तो ये भी होता है सच कि उसकी नौकरी छुड़वाई गई होगी आ, <laughs> <laughs> तो वो लोग बताते नहीं है नहीं बट जैसे मैं कभी ये नहीं सोच सकता था इस जिंदगी में ग्यारह मई दो हजार नौ 2009 को मेरा नौकरी का पहला दिन था और मैं 11 मई 2009 से नौकरी छोड़ना चाहता था है ना ये बहुत लंबी तैयारी थी कि करेंगे कभी होगा एक दिन हम लोग सब लोग सोचते हैं ना कि आज हम जब रात में सोने जाए तो कल सुबह ठीक वैसी होगी जैसी हम रात में आज शाम को सोच रहे हैं और वो सुबह आती ही नहीं है कभी तो वो एक लंबी यात्रा थी लेकिन जैसे जैसे मेरे साथ हुआ ना ऐसा नहीं था कि मैंने एक दिन सुबह लड़ाई हो गई किसी से और मैंने सोच लिया मैंने बहुत समय के साथ प्लान किया उसको और मैं जो यहाँ पे यंगस्टर्स हैं या जो लोग जॉब में हैं या जो फ्यूचर में जॉब करेंगे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको नौकरी करनी चाहिए कुछ ना कुछ दिन क्योंकि नौकरी एक बहुत ही बड़ी चीज सिखाती है चाहे आपका बॉस अच्छा हो या ना हो वो नौकरी धैर्य रखना सिखाती है है ना और रामचरित मानस में भी धीरज धर्म मित्र और नारी है धीरज अपना है बाकी सब एक्सटर्नल फोर्स है है ना तो धैर्य रखना पेशेंस रखना क्योंकि उसके बिना आप नहीं कर सकते और मेरा बहुत चूंकि मैं मैथ्स का बंदा था मैथ्स थोड़ी बहुत आती थी नंबर क्रंचिंग करते थे तो मैंने ये सोचा था कि मैं दो साल का खर्चा एक बार इकट्ठा कर लूं सेम लाइफस्टाइल पे क्योंकि जब आप नौकरी छोड़ते हो तो वो फैमिली का स्ट्रगल नहीं होना चाहिए वो आपका स्ट्रगल है, का नहीं है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा आप की लाइफस्टाइल सेम रहे तो मैंने सोचा दो साल के पैसे इकट्ठा कर लूँ फिर मैं गंगा नहा लूंगा वो फिर एक के बाद होता गया जैसे मैं नौकरी में भी था एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ नौकरी छोड़ने की और कल हाँ ट्रिक <laughs> सरकारी नौकरी की नहीं बता रहा सर <laughs> <laughs> तो प्राइवेट वालों को बता रहा हूं जो गलती से फंस जाएंगे <laughs> मेरी तो कि जैसे आप हमेशा ना ऐसी नौकरी करनी चाहिए जहां पे पांच दिन काम हो और दो दिन कोई मतलब नहीं बम फट जाए कहीं पे हमें नहीं मतलब ऑफिस से ठीक है ऐसी नौकरी ढूंढना अगर जो लोग भी ढूंढेंगे आगे आप ये देखिए वो दो दिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप उसको कैलकुलेट करिए साल भर में वो एक दिन होते हैं सैटरडे संडे है ना एक दिन हम लोग क्या होता है साइकोलॉजिकली ये नहीं सोचते कि वो तीन महीने से ज्यादा है हम लोग क्या सोचते हैं ये दो ही दिन है तो जब मैं कोई काम कर रहा हूं जैसे मुझे किताब लिखने में चालीस पचास महीने लगता है वो है मेरे पास नौकरी के साथ भी लेकिन हम कभी ये सोचते नहीं है कि हमारे साथ है तो जब मैं वीकेंड पे आता था फ्राइडे को तो मैं बटन ऐसे दबाता था अपने दिमाग में कि ये मेरा साल का पच्चीसवां दिन है और छब्बीसवा दिन है ना कि पहला या दूसरा दिन है तो ये ट्रिक है एक इस तरीके से आप धीरे धीरे और नौकरी करनी चाहिए फिर एक दिन क्या होगा जब दोनों सैलरी दूसरी तो सैलरी नहीं होती हो, पता नहीं रहता कितने पैसे आएंगे सबसे अच्छी बात नौकरी छोड़ने की ये है कि आपको पता नहीं आप कौन से इनकम टैक्स ब्रैकेट में होंगे कब आप लग्जरी टैक्स दे रहे हैं और कब आप टैक्स के बाहर है <laughs> तो मुझे लगता है लेकिन धीरे धीरे करना चाहिए मतलब बहुत चूंकि हम सोशल मीडिया में बहुत क्रांतिकारी हो जाते हैं वो नहीं अप्रोच होना चाहिए लाइक like, जैसा मुझे लगता है बहुत लोग उस तरीके से तो ये धीरे धीरे करेंगे तो वो हो जाता है मतलब एक समय पे आपको दिखने लगेगा कि ये दोनों अल्टीमेटली हम लोग समय बेच रहे हैं ना अपना तो वो समय की वैल्यू कौन ज्यादा दे रहा है और कहाँ पे आपको मजा आ रहा है तो जैसे इसीलिए मैं एक बड़ी शरारत भी करता हूँ कि मैं सोमवार को जब ऑफिस खुलते हैं तो मैं खड़े हो जाता हूँ बाहर देखता हूँ लोगों को बाहर जाते हुए तो वो मुझे अच्छा भी लगता है एंड गेट आई फील हम्बल्ड अबाउट इट कि हाँ मुझे सुबह ऐसे नहीं जाना पड़ रहा तो वो दोनों चीजें ऐसा नहीं है कि ये बड़ा क्रांतिकारी बात होगी तो धीरे धीरे करेंगे तो हो जाता है मतलब बस जिंदगी में और लाइफ में और लिखाई में बस एक चीज है कि दो चार बार लाइफ में ऐसा होता है कि एक दीवार होती है ना उसके पार आपको दिखता है है ना वो हर किसी को अपनी अपनी दीवार दिखती है और वो आपको दिखता है तो आपको बढ़ जाना चाहिए फिर ये अगर मगर में जो रहते हैं वो रह जाते हैं फिर वो नहीं करना चाहिए बस ये बात बहुत बढ़िया निशांत जी के पास आते हैं एक बड़ा आपका करियर ग्राफ है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स और इस देश के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी सरकार है उसके साथ काम करते हुए आपकी एक साहित्यिक यात्रा भी है खूब किताबें और युवाओं के बीच में जो खासकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच आप एक आइकन के रूप में जाने जाते हैं ये सारी चीजें कैसे समन्वय होता है इन सबका ऐसे मैनेज हो पाता है मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि आप लोगों को तो कितने पेपर साइन करने होते हैं बांचने होते हैं पढ़ के साइन करने होते हैं मैम बिना पढ़े साइन हो होते हैं। <laughs> <हुँ>। <laughs> तो आपने यात्रा की बात कही है और कैसे समन्वय हो पाता है इसकी बात कही तो सबसे पहले तो भाई सबसे अच्छी बात तो ये कि आज का जो टॉपिक है इज हिंदी द न्यू कूल इस पे बात हो रही है ये एक बहुत बड़ी बात है तो इस पे एक बार जोरदार तालियां आप सबको बजानी चाहिए जेएलएफ के लिए मेरा बैकग्राउंड बहुत सिंपल सा है कि जैसे आप सब लोग हम सब लोग होते हैं जो एक बिल्कुल सामान्य फैमिली से आते हैं और ज्यादातर हमारी जनरेशन के लोग जो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं जैसे हिंदी मीडियम टाइप बोल सकते हैं उस तरह के हम लोग हैं और जिनकी मतलब आंखों में बड़े ख्वाब लेकर के जो छोटे छोटे शहरों की खाली बोल दोपहरों से झोला उठा के बड़े शहर की ओर निकलते हैं वैसे ही लोग हैं हम तो हम कोई अलग से कोई पैराशूट से उतरे हुए टाइप लोग नहीं है हम लोग भी वही हैं जो आप सामने बैठे हैं जो यंगस्टर्स बैठे हैं खासकर वैसे ही हम भी थे और एक मेरठ एक शहर है दिल्ली के पास वहां मैं पला बढ़ा वहां पढ़ाई हुई और ये था कि जब मैं एक्चुअली आपने जब यात्रा की बात की तो मेरे को एकदम से ध्यान आया कि मैं ने अपनी पहली नौकरी ग्रुप सी में शुरू की थी क्लैरिकल जॉब और फिर मैं ग्रुप बी में आया और अब मैं ग्रुप ए में आ गया तो ये एक जर्नी रही है ये यात्रा है लेकिन इस यात्रा में एक बात किसी कहीं मैंने पढ़ी थी कभी कि मुश्किलें सब पर आती हैं कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है तो अपनी जो लकीर है मतलब जैसे हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी कि एक क्लास में एक टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे पूछा कि भाई अगर हमें किसी को दबाए बिना या किसी का विरोध किए बिना खुद आगे बढ़ना है तो उसका उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका बताया कि उस लाइन को बिना इरेज किए बिना डस्टर से मिटाए आगे एक आपने चौक से एक बड़ी लाइन खींच दी तो वो सबसे अच्छा तरीका है जीवन में आगे बढ़ने का तो इसलिए मैं जितने भी लोग हैं मैं बहुत डिटेल में तो यात्रा में नहीं जाऊंगा पर मैं ये जरूर कहूंगा कि आप इस दस पंद्रह साल की यात्रा में एक चीज जो कॉन्स्टेंट है वो निरंतरता है और एक और खास चीज जो उसमें डिराइव करनी चाहिए वो है कि अपनी लकीर को बड़ा करना हमें किसी की बुराई नहीं करनी ना हमें किसी जैसे अगर हिंदी की बात अभी आएगी तो मैं वहां से भी इसको जोड़ूंगा कि हमें इंग्लिश से या हमें किसी और भाषा से या यूरोपियन लैंग्वेजेस से फ्रेंच से किसी से कोई भी परेशानी नहीं है इनफैक्ट हम तो हर भाषा का सम्मान करते हैं लेकिन क्या आप चाहेंगे कि मेरी जुबान मेरी भाषा मेरी मातृभाषा जब दूसरी भाषा बोलते बोलते केदारनाथ सिंह की भाषा में कहूँ मैं जो हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए हैं कि जब दूसरी भाषा में बोलते बोलते मेरी जुबान अकड़ने लगती है और मेरी आत्मा दुखने लगती है तब मैं अपनी भाषा में बात करता हूं अपनी भाषा में हंसता हूं अपनी भाषा में रोता हूँ अपनी भाषा में खिलखिलाता हूँ अपनी भाषा में खूब दहाड़े मार मार के रोता हूँ ये हमारी भाषा की ताकत है क्या हम चाहेंगे कि हम दूसरी भाषा में खूब अच्छा करें बिजनेस करें नौकरी करें विदेश जाए खूब पढ़ें खूब बढ़े लेकिन क्या अपनी भाषा की कीमत पे हम बढ़ना चाहेंगे आप में से आप लोग बताइए एक बार कि क्या हम चाहेंगे कि हमारी भाषा मर जाए और हम दूसरी भाषा में ही सिर्फ आगे बढ़े तो दिस इज द की चाहे वो बंगाली हो चाहे वो हिंदी हो चाहे वो तमिल हो चाहे वो कन्नड़ा हो हमें अपनी भाषा को साथ में लेकर के उसके साथ जो एक इमोशनल रिश्ता रिश्ता है उसको बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए ये यात्रा होनी चाहिए जहां पे अपनी लकीर को बड़ी करना है और दूसरी की लकीर को छोटे करने की कोई कोशिश करनी भी नहीं है सोचना भी नहीं है और दूसरी बात जो आपने कही अदिति जी की समन्वय कैसे, कैसे होता है ये मैनेज कैसे होता है इसका तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है जितने भी यंगस्टर्स है वो इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट करेंगे और जो बड़े लोग भी हैं जो एक्सपीरियंस अनुभवी लोग हैं जिन्हें जिंदगी का बहुत अनुभव है कि आपको जिस चीज का शौक होता है जो चीज आपको पसंद होती है जो चीज आपको किक देती है जो चीज आपको सुकून देती है उसके लिए आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई, कोई वक्त निकाल ही लेते हो जिसको ओ देखना है तो वो देखना ही है जिसको म्यूजिक सुनना है तो सुनना ही है जिसको गप मारनी है तो मारनी ही है जिसको पढ़ना है तो पढ़ना ही और जिसको लिखना है तो दिव्य प्रकाश दुबे जी की तरह लिखाड़ बन जाना है तो इसलिए ये सब मैनेज हो जाता है अगेन इन्होंने कहा कि मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि 104 दिन होते हैं अभी तक मैंने जबरदस्त मैथ्स बताया तीन महीने आपको मिलते हैं पूरी जिंदगी में जो जीने के लिए बाकी तो ऑफिस में आप ऑब्वियसली जहां भी होते हो अपना काम बेस्ट करते हो करना भी चाहिए लेकिन उसके बाद भी आपको इतना टाइम मिलता है जहाँ पे आप अपने शौक पूरे कर सकते हो तो मुझे लगता है हम सबको इवन जब हम एकेडमी में जाते हैं हमारी मसूरी में ट्रेनिंग होती है तो वहां भी ये सिखाया जाता है कि आप खूब काम करना है लेकिन अपनी जो कुछ हॉबीज हैं चाहे वो लिटरेचर हो हो स्पोर्ट्स जो भी उनको बनाए रखना है हमारे बीच स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर कामकाजी लोग सब ऑडियंस में है एक बड़ा सवाल जो सबके मन में शायद पिछले दशक में था और शायद आप लोगों की वजह से ये सवाल अब कुछ किसी हद तक साफ हुआ है सबके मन से लेकिन फिर भी आज इस पे बात करते हैं हिंदी और रोजगार पर कहीं ना कहीं अंग्रेजी का दबदबा दबाव सामाजिक चेतना पर और सामाजिक ढांचे पर इतना मजबूत था कि ये लगता था कि अगर अंग्रेजी नहीं तो करियर नहीं करियर नहीं तो घर नहीं घर नहीं तो जीवन नहीं लेकिन अब कहानी कुछ बदलती नजर आ रही है चाहे आप राजनीति देखें जिसमें क्षेत्रीय राजनीति अब केंद्रीय राजनीति पर किसी रूप से उसके पर परमिटेशन बदल रही है या अब आप आ, किताबों की दुनिया देखें या आप अखबारों की दुनिया देखें या आप न्यूज की दुनिया देखें वहाँ पर सारे के सारे फॉर्मूले जो पिछले दो दशक में थे वो सब टूटते नजर आ रहे हैं और नए फॉर्मूले बनते नजर आ रहे हैं दिव्या तो आपसे शुरू करते हैं लिंगडिन ने आपको एक हिंदी इन्फ्लुएंसर के रूप में साथ में लिया मुझे याद है जब 2016 में वाणी प्रकाशन का लिंकडिन प्रोफाइल हमने बनाया था वहां वो हिंदी यूनिकोड लेता भी नहीं था तो हमें हिंदी में मैटर लिखकर उस पर चस्पाना पड़ता था क्योंकि हम अंग्रेजी में नहीं लिखना चाहते थे हम लिंकडिन के आगे अपनी भाषा नहीं छोड़ना चाहते थे आज लिंकडिन हिंदी में आ गया है और वो हिंदी के इन्फ्लुएंसर्स को अपने साथ ले रहा है उसमें बड़ी गर्व की बात है कि पहली पंक्ति में आप उसमें उसके साथ तो ये जो बदल रहा है सामंजस्य सारा का सारा ये सारा जो गणित बदलता नजर आ रहा है ये किस किस भविष्य की ओर इशारा है इसका मैं इसको ना बहुत जैसे मैं एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में रहा जहाँ पे और मैं ऐसे कॉलेज में पढ़ा जहाँ पे हम लोग पूरे कॉलेज में 180 लोगों में सिम्बी में जब मैं था 2009 में हम दो लड़के हिंदी मीडियम के थे है ना वो एक एंट्री बैरियर है आप बड़े कॉलेज में पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि वो कॉम्पिटिशन ऐसा होता है और हम लोग जो सीख के जाते हैं वहां तक जब तक सीखते हैं देर हो जाती है वहां से लेके जैसे मैं फिर बाद में मैंने एक बहुत बड़ी चैनल में काम किया जो बहुत सारे शोज बनाते हैं क्रिकेट कराते हैं वहां पे मतलब मैं जो चीज़ जो एक समय में आप सोचते हैं आपकी वीकनेस है कि आपको उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं आती जितने आपके साथ वाले लोग हैं बड़ा सरप्राइजिंग 2009 से लेके 2020 में ये हुआ कि पूरे फ्लोर पे मेरे से अच्छी हिंदी उस चैनल में किसी को नहीं आती थी। तो याद किया जाता है हिंदी आती थी ये इतनी तगड़ी पहचान थी आपको कि अच्छा ये आता है और मैं अ, अलग अलग राइटर से जैसे एक, एक फिल्म आई थी एम एस धोनी उनके राइटर है दिलीप झा उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा इस समय जो आज की डेट में इससे बड़ा जैसे म्यूचुअल फंड में आदमी पैसा लगाता है जमीन खरीदता है अपने बच्चों को हिंदी या कोई भी एक और भाषा अंग्रेजी तो सिखाएं सिखाएं वो इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए इतना इसमें पैसा आने वाला है पहचान आने वाली है पैसे से ज्यादा क्योंकि कई बार पैसा आप कमा सकते हो वो इतनी बड़ी चीज नहीं लगती मेरे को मुझे लगता है कि पहचान के साथ अगर आप कमा पाए तो वो बड़ी चीज हो जाती है उसमें तो अः ये चेंज ऐसा है कि क्योंकि ना ये हुआ क्यों मतलब ऐसा नहीं है कोई नई चीज हो रही है समाज में आप याद करो जब व्हाट्सएप नया नया आया था तो जो उसपे फॉरवर्ड आते थे ना वो बहुत अंग्रेजी में आते थे और आज की डेट में आप देखो वो अंग्रेजी वाले दस पंद्रह परसेंट रह गए हैं सारे फॉरवर्ड जो भी अगर आप बंगाली में हो तो आपके फैमिली ग्रुप में वैसा आएगा आप गुजराती हैं मराठी हैं ये है। ये ना हम लोग ऐसे थे और एकदम से बड़ी बड़ी कंपनियों को जैसे अमेजोन को ये रियलाइज हुआ कि उनको जो यहाँ पे सामान भी बेचना है उनकी ऐप अंग्रेजी में जिस परसेंट से ग्रो कर रही है ऑफिशियली नंबर तो ना वो शेयर करता है लेकिन मुझे यह अंदाजा है जो कि मैं उस दुनिया में था कभी कभी कि जितना तेज यहां पे ग्रोथ है आप देखो यूट्यूब चैनल पे जो हिंदी कॉन्टेंट की ग्रोथ है रीजनल कॉन्टेंट की ग्रोथ है वो क्यों हो रही क्योंकि ना लोग ऐसे थे थोड़े दिन क्या हुआ असल में जब मैं बड़ा हो रहा था नाइनटीज में और गलती से जिस माहौल में मैं बड़ा हो रहा था वहां पे ना बहुत ऐसा था हम लोग जो मोहल्ले में जिनके अंग्रेजी पेपर आता था ना हम लोग सोचते थे ये जीवन वो डेवलपिंग नेशन और डेवलप्ड नेशन जैसा फर्क था हमें लगता था ये लोग पा, पा गए हैं कुछ धरती पे ना ये लोग हमें भैया जैसा होना है कि मतलब एक पेज हम सामने खड़े होके पढ़ ले ना एक हेडलाइन ही पढ़ ले बिना गलती के तो लगा कि जीवन सफल हो गया इस माहौल से और वो क्यों था ऐसा माहौल क्योंकि एक हैंगओवर था कलोनियल हम लोगों पे कि अंग्रेजी जो जानता है वो आगे बढ़ रहा है है ना जैसे ट्वेल्थ में अगर आपको अंग्रेजी आती है तो नोएडा में नाइनटी नाइन के बाद से तमाम नौकरियां थी कॉल सेंटर की आप बीस पच्चीस हजार अठारह हजार पंद्रह हजार कमा सकते थे बार के बार, तो था। लेकिन मैं एक चीज जो तो दूसरी बोलता हूँ हिंदी में केवल केवल ग्लोरीफाई करने से नहीं होगा देखिए जैसे मैं इसको बहुत मोटे मोटे तरीके से समझाता हूँ रफ तरीके से जैसे मुझे मैं अपने आप को बहुत ही घटिया इंजीनियर मानता हूँ और जिसके लिए मैंने अपने दो साल ट्वेल्थ के बाद खराब किए और चार साल वहां की पढ़ाई में बर्बाद किए एक तरीके से मतलब ग्रेजुएशन हो गया छह साल मैंने लगाए एक घटिया इंजीनियर बनने के लिए या एवरेज इंजीनियर बनने के लिए लेकिन अगर मैं हिंदी में पैसा कमाना चाहता हूं तो क्या मैं अपने जीवन के छह साल दूंगा सवाल यह होता है कि हम कविता लिख लेते हैं लेकिन कविता से कमाने की दूरी थोड़ी ज्यादा है वो हम छह साल देने को तैयार है कि नहीं है कहीं ना कहीं दिव्या सॉरी आई एम इंटरप्टिंग लेकिन कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि कोई इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं है हिंदी में आ, किसी भी प्रकार के लिखने पढ़ने की पद्धति को विकसित करने के लिए ये एक बहुत बड़ा गैप है अगर मुझे आ, जैसे पब्लिशिंग सेक्टर में है हम लोग मुझे आ, अच्छे प्रूफ रीडर चाहिए मुझे अच्छे संपादक चाहिए मुझे अच्छे कॉपी एडिटर्स चाहिए हिंदी के तो मुझे मिलते नहीं कोई व्यक्ति या कोई युवा जो कॉलेज से निकले हैं वो कहीं कहीं जाना चाहते हैं अपने करियर में और कुछ नहीं मिल रहा तो पब्लिशिंग उनके लिए एक रास्ता खुलता है पब्लिशिंग एक सीधा रास्ता क्यों नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हो और कुछ शुरू किया हम वहां लगे हुए हैं लेकिन वो मुझे लगता है ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन भी एक बहुत जरूरी है नहीं, नहीं, वो है लेकिन ये बहुत ही ना चिकन है ना एक प्रॉब्लम है देखिए जब डिमांड होगा ना तो लोग एकदम से लगेगा ना एकदम से जैसे आज से जैसे अपने आप जैसे कि अरे जैसे मुझे तो याद नहीं है कि निशान जी से पहले मैं किसको आखिरी कब बोला था मैंने कि अरे हिंदी से यह भी तो नहीं था ना लेकिन हम पहले कोचिंग बनाएंगे तब कोई टॉपर नहीं निकलेगा जब कुछ लोग अपने एफर्ट से खींच के ले जाएंगे अपने आप पीछे आ जाएंगे चीजें तो वो बहुत जरूरी है कि आप अगर सीरियस हैं उसको लेके तो आपको ना एक घटिया से घटिया डॉक्टर बनने के लिए इस देश में दस साल लग जाते हैं है ना वो बाद में घटिया निकलेगा अच्छा निकलेगा ये भी आपको नहीं पता दस साल आप देते हो उसको आपको भी हिंदी या किसी भी भाषा को जिससे आप कमाना चाहते हैं पहचान बनाना चाहते हैं आपको ना उसको प्रोजेक्ट की तरह लेना पड़ेगा ये नहीं हो सकता कि मूड आया तो हमने सोशल मीडिया पे कुछ डाला जैसे जो बहुत यंगस्टर्स का जो प्रॉब्लम है वो भेजते हैं जब कविताएं है या कुछ पढ़ने को तो जो बेसिक फिल्टर है ना हमको कहीं कही ना कहीं पता होता है हमने कैसा लिखा है है ना तो वो बोलते हैं अरे सर आप तो कह रहे हो तो सही नहीं है यहां पर तो मेरे को साठ लाइक आए हैं आप कैसे बोल रहे हो सही नहीं है तो वो उससे बचना भी पड़ेगा कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक लंबा रास्ता लेना यहाँ पे मैं थोड़ा सा बीच में ऐड करना चाहूंगा जी आपकी अनुमति से कि अभी बात हो रही थी कि खाली ग्लोरी खाली ग्लोरीफाई तो नहीं करना है पर आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि हिंदी कितनी पावरफुल है आज की डेट में एक उदाहरण है जैसे कि चेतन भगत है वो डीप टॉक करते हैं यूट्यूब पे वो उसको पूरा हिंदी में बोलते हैं भाई वो इंग्लिश में क्यों नहीं बोलते क्योंकि उनको YouTube पे व्यूज चाहिए और उससे अर्निंग चाहिए अगर आज की डेट में वीडियो कंटेंट की बात करें मैं अभी लिखने पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी देखने और सुनने की बात कर रहा हूं ऑडियो विजुअल की बात कर रहा हूं इस समय ऑडियो विजुअल में हिंदी इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई है कि आप जस्ट यूट्यूब खोलिए इंस्टाग्राम का जो वीडियो वाला है वो वीडियोस देखिए या फेसबुक वॉच देखिए तो आप पाएंगे इसकी हिंदी में जो वीडियो में व्यूज व्यूज मिलियंस क्या में व्यूज उसमें जा रहे हैं तो हिंदी की कॉन्टेंट की पावर इतनी ज्यादा है एक उदाहरण है मेरे आ, मेरी वाइफ की एक फ्रेंड है वो जर्मनी में रहती है उनके हस्बैंड वहां पे नौकरी करते हैं तो उन्होंने हस्बैंड वाइफ ने क्या किया कि वहां पे जर्मनी में कैसे पढ़ाई होती है कैसे एडमिशन होता है अगर आपको जर्मनी आके यहाँ की नागरिकता लेनी है वो कैसे मिलेगी वहां पे बिजनेस करना है तो कैसे होगा ट्रेवल आप सब जानते हैं मैं तो खुद टूरिज्म में देखता हूं हूं देखता इन्फ्लुएंसर्स को और ट्रेवल ब्लॉगर्स हैं व्लॉगर्स हैं जब वो लिखते हैं तो वो इंग्लिश में ब्लॉग लिखते हैं पर जब वो व्लॉग बनाते हैं जब वो बोलते हैं तो वो हिंदी में बना रहे होते हैं तो आप इस चीज को अप्रिशिएट करें कि हिंदी जो है वो इतना जबरदस्त संवाद स्थापित करती है और हिंदी मतलब आम बोलचाल की हिंदी यहां मैं बहुत कठिन या क्लिष्ट भाषा की बात नहीं कर रहा हूं यहां मैं उस भाषा की बात कर रहा हूं जो आप और हम रोज बातचीत करते हैं तो ये तो हिंदी की पार है इसमें जो दिव्य ने कहा उससे हम सबको सहमत होना चाहिए और ये बात भी जो अदिति ने कही इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं है पर अगेन वही वाली बात है कि पहले अंडा या पहले मुर्गी आप पहले सोचो कि हम इंस्टीट्यूट बनाएंगे तब जाके अच्छे लोग आएंगे या फिर कुछ लोग अपने एफर्ट से पहले आ जाएं उनकी प्रेरणा से कुछ इंस्टीट्यूशन बन जाएं तो ये चीजें चलती रहेंगी लेकिन ये अपने को ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी का जो बाजार है और इस पर भी हम आगे फिर बात करना चाहेंगे कि हिंदी में जो करियर से आपने बात शुरू की थी तो हिंदी में भले ट्रेडिशनल करियर घटता गया है पर नॉन कन्वेंशनल करियर जो है चाहे वो कंटेंट क्रिएशन में हो एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन में हो मास कम्युनिकेशन में हो हमारे मीडिया के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सिनेमा में हो डबिंग में ट्रांसलेशन में हो इन सब नॉन कन्वेंशनल फील्ड्स में हिंदी में करियर इतना ज्यादा बड़ा है मेरे खुद के इतने सारे दोस्त हैं मेरा बचपन का फ्रेंड जो मेरे साथ हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था उसने अभी कुछ टाइम पहले स्त्री मूवी के डायलॉग्स लिखे और लिटिल थिंग्स सीजन टू को डायरेक्ट किया और वो मेरी उम्र का है वो भी मेरी तरह पैंतीस साल का है और इक्कीस साल की उम्र में चला गया तो मतलब सुमित अरोड़ा उसका नाम है तो मतलब इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जिन्होंने खुद अपनी लकीर को बड़ा करके अगेन मैं यही कहूंगा क्योंकि हिंदी वालों के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है आप अगर क्योंकि आपके सामने जो है उससे लड़ना नहीं है उसको भी आप भी रहो हम भी रहे आप अपना करो हम भी इंग्लिश पढ़ेंगे हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हम हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हैं और अगर हिंदी में कंटेंट में इतना सारा रोजगार है तो क्यों ना उसमें हाथ आजमाया जाए और लोग लाखों करोड़ों रुपए इसमें कमा रहे हैं हिंदी का तेवर हमेशा से ही सहयोग का ही रहा है हिंदी ने अगर आप भाषाई विज्ञान के रूप से हिंदी के इतिहास में जाएं तो आप पाएंगे कि हिंदी सबसे ज्यादा लचीली भाषा रही है चाहे उर्दू के प्रति चाहे अंग्रेजी के प्रति चाहे फारसी के प्रति आज तकनीक के साथ भी ये लचीलापन देखने में आ रहा है यहां से अगर हम चले हिंदी एक छोटा सा हमारा जब डिस्कशन हो रहा था बैक स्टेज तो हमने ये भी सोचा था कि हम ये अपने ऑडियंस से जरूर पूछेंगे कि आप में से कितने लोग हिंदी देवनागरी में टाइप कर रहे हैं अपने मोबाइल पर और कितने कर रहे हैं रोमन पर तो देवनागरी वाले जरा हमें बताएं मतलब हिंदी की लिपि जो है काखा गाघा वाली उसमें आपको अगर अपने दोस्त से पूछना है कि क्या हलचल तो आप के वाई ए क्या एच ए एल हाल सी एच ए एल चाल लिख रहे हो या फिर आधा के और या क्या हाल चाल बताओ कौन सा लिख रहे हो हिंदी वाले कौन लिख रहे हैं देवनागरी में कौन अरे वाह बहुत बढ़िया जोरदार तालीम मुझे इतनी भी उम्मीद नहीं थी इन लोगों को दस परसेंट डिस्काउंट मिलेगा किताबे <laughs> <laughs> इनको आपकी किताब के साथ गुलाब भी देना चाहिए <laughs> चलिए ये तो बहुत खुशी की बात नहीं है बिल्कुल ये वाली बात जो है मैं जहाँ भी जब भी मुझे कहीं बोलने का मौका मिलता है एक्चुअली क्या है कि आप इसको थोड़ा समझिए क्या है अफ्रीका की जो भाषाएं हैं और जो आसियान कंट्रीज की भाषाएं हैं वहां पे क्या हुआ कि जब इंग्लिश तो सब जगह ही गई तो इंग्लिश का प्रभुत्व बड़ा और अच्छी बात है वो इंग्लिश एक इंटरनेशनल भाषा है पर वहां पे क्या गड़बड़ हुई कि अफ्रीका में क्योंकि बहुत स्ट्रांग छोटे छोटे देश है, सब हैं सबकी अपनी अपनी भाषाएं थी आसियान में भी देखें तो मलेशिया की इंडोनेशिया की सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी भाषाएं थी और भाषाएं क्या एक देश में कई कई भाषाएं थी तो उस समय उनको ये आसान लगा और इस तरह की बात हुई कि क्यों ना हम भाषा तो वही रखें लेकिन उसकी जो स्क्रिप्ट है वो हम इंग्लिश वाली अडोप्ट कर लें ऐसा अफ्रीका में भी हुआ और इधर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी कई देशों में हुआ उसके बाद क्या हुआ कि वो दस साल बीस साल तक ऐसे ही चला कि भाई जैसे आप सिंगापुर जाओगे तो उनकी जो वो मलेशिया वाली भाषा है वो रोमन में लिखी हुई आपको मिलेगी लेकिन जब आप खुद ही सोचिए कि जब आप कई सालों तक आप दस साल बीस साल तक क्या हाल को के वाई ए क्या और एच ए एल हाल लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे तो दस साल बाद आपको कभी तो लगेगा इससे तो हाउ आर यू लिख लेता मतलब जब मुझे रोमन में ही टाइप करना है तो इंग्लिश क्या इतनी मुश्किल है क्या तो इस तरह क्या होता है कि धीरे धीरे आपकी भाषा मरने लगती है तो अगर आपको थोड़ा सा भी भाषा से लगाव है तो इसमें कुछ भी एफर्ट नहीं है मैं आपको बिल्कुल सच सच बता रहा हूं जो भी मैंने दो तीन किताबें लिखी है दिव्य प्रकाश तो बहुत बड़े ऑथर है और मैं तो मतलब मैं तो ऐसी स्टूडेंट टाइप ही हूँ इनको देख देख के मैं इनको फैन मूवमेंट है मेरे लिए इनके साथ आज शेयर करना स्टेज ये, ये, ये कैसे मैनेज होता है अरे भाई ट्रेवल कर रहे हो दो घंटे कोई काम नहीं है तो मोबाइल पे लिख लो तो मैंने पूरी पूरी किताब मोबाइल पे लिखी है आर्टिकल्स मोबाइल पे लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी देवनागरी में टाइप करना मोबाइल पे इतना ईजी है और आपको हंसी आएगी आश्चर्य होगा कि मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती आज तक भी नहीं आती मैं इंग्लिश में ही लिखता हूं के वाई ये वो हिंदी में आ जाता है ट्रांसलेटेशन बोलते हैं इसको और इतने की भी जरूरत नहीं है आप सिर्फ बोलिए वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन है और उसमें कई सारे ऑप्शन दिखा देगा आपको एक शब्द लिखना है मान लीजिए आपको लिखना साहित्य तो आप बोल दीजिए साहित्य अब वो हो सकता है साहित्य लिख दे पर वो तीन चार ऑप्शन देगा आपको पता है साहित्य ये वाला है तो उसको क्लिक कर दीजिए इतना इजी है जितनी देर में आप इंग्लिश टाइप करेंगे उतनी ही देर में आप हिंदी को टाइप कर सकते हैं बहुत ज्यादा आसान है थैंक यू बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स ये दिल मांगे मोर हिंदी की पैकेजिंग और ब्रांडिंग इस देश में सेफ्टी पिन से हवाई जहाज तक कुछ भी बिकता है तो बिना हिंदी के नहीं बिक सकता है। ये बाजार इतना बड़ा है हिंदी का लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं वहां पर जो कॉपी एडिटिंग के डेस्क होते हैं जहाँ पे ये कैंपेन्स बनते हैं वहां पर जो हिंदी का कंटेंट राइटर है वो बस इकलौता प्राणी होता है पूरी टीम में हाँ दिव्या यू विल है रेजोनेंस आपके पास इसके लिए बहुत सारे किस्से हैं मुझे नहीं, पता नहीं। है। मैं एडवर्टाइजिंग में एक समय पे जाना चाहता था बहुत मेरा मन था और तो ये कैंपेन्स की कहानी हाँ, हिंदी ले... को किस तरह से

और ये देखिए आप एक सोचिए किसी भी फील्ड में एडवर्टाइजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है कि जहां पे अगर आप अच्छे कॉपी राइटर है तो विद इन फाइव इन यू कैन गो टू टॉप ये बहुत ही अमेजिंग है ऐसे पांडे जी यहां पर थे का और उनका उनका मतलब उनके हम लोग कितने बड़े फैन है चल मेरी लूना और वो सब उन्होंने क्या क्या मतलब एक आ, हमारा बजाज हमारा बजाज क्या क्या नहीं उन्होंने उन्होंने मतलब मुझे नहीं लगता है कि पिछले 20-25 साल में उनके इन्फ्लुएंस के बिना कोई भी एडवर्टाइजिंग में राइटर हुआ है और वो बिल्कुल बहुत छोटी चीज है पकड़ पकड़ा जैसे वो जो था ना जो चल मेरी लूना एक बार मैंने उनका इंटरव्यू सुना था मैं बड़ा उनके एक कटिंग है मेरे पास आज भी कॉलेज के समय से तो उन्होंने पूछा गया कि चल मेरी लूना कैसे आया आपके दिमाग में हम सब लोग घर में जब वो बच्चा होता है ना तो हर कोई बोलता है चल मेरे घोड़े और आप देखिए आप बस ऑब्जर्व करिए लाइफ को और वहां से कैसे लाइफ से ही आपको चीजें मिलती जाएंगी तो वो दूसरा लेसन है कि आप भूले नहीं आप कहाँ से आए हैं जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब हम बड़े शहरों में जाते हैं तो हम जो हमारी पहचान है ना हम सबसे पहले वो छोड़ देते हैं जाके आपको मालूम है लखनऊ बॉम्बे दिल्ली की बड़े से बड़े प्रोडक्शन हाउस आज की रेट में किनको ढूंढ रहे हैं वो उन जयपुर वाले बच्चों को लड़कों को लड़कियों को ढूंढ रहे हैं जो अपने साथ जयपुर लेके वहां जा रहे हैं उनको बॉम्बे चाहिए ही नहीं मैं एक चैनल के लिए मैं पहला गेट था मैं कहानियां सुनता था उनके लिए जो आज की डेट में हम ऐसा मजाक करते थे कि जो बॉम्बे में फिल्म लिखता है वो भू को मर सकता है जो किताब लिखता है वो भू को शायद लिखता है इस देश में ना वो घर नहीं खरीदते वो फ्लोर खरीदते हैं हम ये मजाक करते थे वहां पे है ना मेरे बहुत सारे दोस्त टीवी लिखते हैं लेकिन वो जो टीवी के जो सफल राइटर है अगर आप, आप किसी भी सीरियल में ना जब आता है जो अच्छी टीआरपी है गूगल करिए उस राइटर का बैकग्राउंड पढ़िए जाके वो वही बलिया गाजीपुर आजमगढ़ का कोई वो लड़का होगा जिसको जिसने एक हिंदी के प्रोफेसर होने की कोशिश की थी दस साल वो नई सिस्टम से फेल होके वो गया बट वो कोर क्या था उसको पता था कि वो आजमगढ़ क्या है तो so हिंदी से ज़्यादा कस्बा इज द न्यू कोर हाँ कस्बा भी कह सकते हो ज़्यादा मैं एक वर्ड बोलूंगा नहीं। देसीपन ये देसीपन का दौर है आप लोग अदिति जी और दिव्य जी इसको अप्रिशिएट करेंगे और आप सब लोग भी की चाहे आप सिनेमा में देखें चाहे आप लिटरेचर में देखें मसाला चाय और अक्टूबर जंक्शन चाहे आप सिनेमा में देखें तो जो फिल्म हैं उनकी वो वाली मूवीज ही ज्यादा हम पसंद कर रहे हैं जिसमें वो इलिटिज्म कम हो मसान अपनापन जिसमें आप अपने को बनारस की गलियां हो या जयपुर का पुराना शहर को एक्सप्लोर करते हुए दिखाया जाए या फिर वही आजमगढ़ तक पहुंच इस तरह की जो देसीपन बेसिकली जो सेंट्रल थीम है वो देसीपन है और देसीपन जिन जो आर्टिस्ट हैं जो एक्टर्स हैं जो देसीपन के कैरेक्टर्स को लेकर के उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं चाहे वो राजकुमार राव हो चाहे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो उन्हीं को पसंद किया जा रहा है तो ये जो दौर है इसमें इलिटिज्म से लोग बोर हो गए हैं और ये देसीपन को एक्सप्लोर करने का और अपनी इंडिविजुअलिटी अपना जो ओरिजिनल जड़े हैं उन जड़ों को एक्सप्लोर करने का दौर है मेरे हिसाब से बस एक चीज इसमें इसमें ऐड करूंगा मैं कि जैसे ना हम लोगों ने जब एम एस धोनी का जब राइज देखा ना या मैं आप पंकज जी से जब मिलता हूं पंकज त्रिपाठी जी से तो वो मालूम है मिल मिलके क्या लगता है वो बहुत अच्छे एक्टर है, अच्छा है, अच्छा है सब कुछ है लेकिन जब उनके साथ बैठो तो लगता है कि हमारे घर का कोई रिश्तेदार हो गया है आदमी है ना तो, तो वो वो ऐसा लगता है जैसे मैं बॉम्बे में मैं या तो लोगों को सर बोलता हूँ या लोग सर बोलते हैं मैं ऐसे भैया नहीं बोलता था किसी को है ना बट वो जब बैठते हैं तो लगता है कि अरे ये तो मेरे घर के कोई भैया है तो आप ये सोचिए ना कि वो भैयापन उन्होंने जो बचा रखा है अपने अंदर उसी बात के पैसे हैं ये बोलिए है मत वो बचा के रखना है आपको है ना हाँ और अच्छी बातें सीखें इसका मतलब नहीं है कि हम ऐसे ही हैं हम हमें दो काम है <laughs> लेकिन वो जो बात है ना जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं, मैं जब असिस्टेंट मैनेजर हुआ मोबाइल कंपनी में ये राजस्थान मेरे उसमें आया करता था एक समय में एक, एरिया में हाँ आधा इंडिया जब मैं देखता था एक तरीके से जो मोबाइल कंपनी में जैसे बोलते हैं तो मैं जब असिस्टेंट मैनेजर हुआ ना तो मेरी मेरे रिश्तेदार कोई थे वो जनरल मैनेजर थे जीएम थे तो मेरी जी को नहीं आता था बोलना असिस्टेंट मैनेजर लड़, आती थी उनकी ज़बान तो जब कोई उनसे पूछे क्या करता है लड़का तो हमेशा बोलती थी कि अरे वो तो जीएम है आ, <laughs> तो इससे ये वो गलत नहीं हो जाती हमें वो वो जो चीज है वो और खूबसूरत कर देता है बात को है ना तो वो हमें वो चीज इसपे शर्म नहीं करनी है शायद वो उनको पता चल जाए कि चलो जब मैं जीएम हो जाऊं तब वो सीख गए असिस्टेंट मैनेजर बोलना लेकिन ना <laughs> वो बाद में बताने लगी थी अब असिस्टेंट मैनेजर हो <laughs> लेकिन ये चीज जो है ना इससे शर्म नहीं करती हम एक हमें बहुत लोगों ने फीड किया है कि तुम जो हो इसमें शर्म वाली बात है वो उससे बचना है वो बहुत लोग दबाएंगे आपको बाप तो आप जाओगे तो. मुझे याद है 2012 में जब स्कॉटलैंड में पढ़ती थी तो एक प्रेजेंटेशन देनी थी वो भारतीय प्रिंट पब्लिशिंग प्रिंट एंड पब्लिशिंग इंडस्ट्री पे थी और मैंने सोचा कि प्रेजेंटेशन हम साड़ी पहन के देंगे अब साड़ी पहन के पहुंचे तो मेरे ग्रुप में सिर्फ मैं ही भारतीय थी बाकी सब और देश के मेरे क्लासमेट्स थे तो एक प्रोफेसर थी जिन्होंने बड़ा एतराज़ किया इस बात पे कि ये फॉर्मल ड्रेस कोड नहीं है तो इस बात पर बड़ी याचिकाएं दायर हुई वहां पर और डीन तक बात पहुंची मेरे देश का राष्ट्रीय परिधान क्यों यहाँ पे अलाउड नहीं है लेकिन अंत में जीत यही हुई कि हम साड़ी पहुंच गए और हमने साड़ी पहन के, पहन के, के, के ही प्रेजेंटेशन दी तो आज उस बिजनेस स्कूल में साउथ एशिया वुमेन्स ऑन्टरप्रेन्योरशिप चेयर है उसी बिजनेस स्कूल में और वहां पर हमारी ही देश की लड़कियां हर साल वो चेयर जीतती हैं और जबकि उसमें साउथ एशिया के छह और देश हैं तो ये देखिए कि इस देश की जमीन कितनी उर्वर है आपको बस अपनी जमीन पकड़े रखनी है और कुछ नहीं करना है सब कुछ हो जाएगा उसके बाद क्या बारे? जमीन को नहीं छोड़ना है। है जमीन को नहीं छोड़ना है। अब हम थोड़े से सवाल लेना शुरू करें और फिर अगले सवाल मेरे जी इससे पहले कि पहला सवाल पूछे एक मिनट बस हाँ मैं अदिति जी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि आप बहुत देर से हम लोगों से सवाल पे सवाल पूछे जा रही है।, तेरा काम है ये नहीं नहीं आप पत्रकार नहीं हो आप प्रकाशक हो ठीक है तो अदिति जी आप एक हिंदुस्तान के बड़े कॉलेजेस में पढ़ी फिर विदेश भी पढ़ के आई जैसा आपने अभी बताया आप भी अच्छी अच्छी इंग्लिश भी बोल लेती हैं हम लोग हिंदी वाले थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं और उसके बाद बहुत सफल जो पब्लिकेशन है भारत का हिंदुस्तान का वाणी उसमें आप के, आप मतलब एक तरह से जो आपके पिताजी हैं वही आपके बॉस भी हैं तो ये भी एक बहुत डिफरेंट और डिफिकल्ट टाइप का टास्क है जो आप निभाती है उसके अलावा भी मैं देखता हूँ लगातार आप कॉलेबोरेशन और लिटरेचर युवा वाणी तमाम चीजें और मुझे लगता है आपकी उम्र भी ज्यादा हम तीनों के आसपास की उम्र भी लगती है तो इतने सफल आप हुए मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहता हूं कि हिंदी की जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है क्योंकि अभी हम ऑडियो विजुअल कंटेंट की बात कर रहे थे यूट्यूब पे बहुत कमा रहे हैं लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू कमा रहे हैं पब्लिशिंग इंडस्ट्री आज कहाँ खड़ी है और पब्लिशिंग इंडस्ट्री में हिंदी में खासकर आप चाहे तो इंग्लिश से थोड़ा कंपेयर भी कर लें पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हिंदी की पब्लिशिंग इंडस्ट्री जो है उसका आगे दस सालों में क्या फ्यूचर देखती है देखिए बारह साल मुझे हो गए पूरे तरह से प्रकाशन में काम करते हुए और इस बीच में कुछ साल के लिए पढ़ाई के लिए भी चली गई फिर लेकिन जहां थी वहां से भी काम कर रही थी और एक छोटा सा वाक्य है मेरे जहन में मैं वहां से बात शुरू करती हूँ तो शायद अपनी बात आसानी से आप तक पहुंचा पाऊ लंदन बुक फेयर में थी 2014 में और वहां एक बहुत पुरानी पद्धति चली आ रही है ओपन हाउस डिस्कशन जो कि आखिरी दिन लंदन बुक फेयर के आयोजित होता है और बहुत बड़े सभागार में होता है उसमें सभी जो लोग श्रोतागण होते हैं उनको एक लाल पट्टी और एक हरी पट्टी दी जाती है क्योंकि वो डिबेट वाद विवाद का एक कार्यक्रम होता है और उस डिबेट में आ, आपको तुरंत सुनकर दोनों पक्षों की बात हरी डंडी या लाल डंडी ऊपर पर अपनी पर्ची ऊपर करनी होती है उसी के बेसिस पे वोटिंग होती है ये बहुत बड़ा आयोजन होता है जिस साल मैं वहां थी तो उस साल का विषय था कि एमेजोन प्रकाशन उद्योग का मित्र है या दुश्मन है Is Amazon फ्रेंड और फो ऑफ दब्लिशिंग इंडस्ट्री सेवेंटी टू परसेंट वोट दले दुश्मन है और बाकी दस प्रतिशत बोले शायद कि दोस्त है और उसके अलावा जो बचे थे उन्होंने कहा कि ये हम वो उनको पता नहीं था क्या हुआ आज हम देखते हैं कि Amazon पाठकों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है लेखकों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये बदलाव मैंने अपने ही कार्यकाल में देखा है प्रकाशन हिंदी का जैसे कि और भाषाओं के प्रकाशन है वो कोलेबोरेशंस पर थ्राइव करेगा उसी पर ही फलेगा फूलेगा कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज समय है कोर कॉम्पिटेंसीज को समझने का आप सब चीजों के एक्सपर्ट नहीं हो सकते आपको अपनी एक्सपर्टीज समझकर दूसरों की एक्सपर्टीज को अपने से बेहतर समझकर उनके साथ कोलेबोरेशन करने की जरूरत है हिंदी जहां पर एक दायरा है जो अड़ जाता है जो कि आपने कहा कि हम लोग कोलाबोरेशन वाणी में बहुत करते हैं वो इसी मानसिकता के साथ करते हैं कि हम सब कुछ निपुणता से नहीं कर सकते सबसे पहला एक हम्बल सबमिशन ये है और उसके बाद हम ये समझते हैं कि हमारी असलियत क्या है हम प्रकाशक हैं, हम कंटेंट समझते हैं हम लेखक समझते हैं हम लेखक को लेखनी समझते हैं और उसके साथ हम उसको बाजार में अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पेश करना चाहते हैं हर प्लेटफॉर्म आप देखिए कि कोई जरूरी नहीं कि एक तरह की प्लेटफॉर्म दूसरे तरीके के प्लेटफॉर्म की तरह उतना ही सक्सेसफुल चले अगर वो क्रॉस हाइब्रिड हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता तो हम अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म्स के साथ कोलाबोरेट करें और उनके साथ अपने लेखकों को अपनी किताबों को खूब पुश करें और आगे ले जाएं। बस यही एक छोटा सा फॉर्मूला है बहुत बढ़िया धन्यवाद अब इन अच्छा। सवाल ले लेते हैं। माइक दे दीजिए। दे हेलो दे थोड़ा दुखद है कि हमारे कंट्री में हिंदी रिवाइवल की बात कर रहे हैं बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से जो करंट डिस्पेंसेशन है उसने कितना अच्छा और पॉजिटिव रोल प्ले किया है आ, हिंदी को फैलाने में आ, और मास एक्सेप्टेंस में किससे आपका सवाल है आ, कोई भी जवाब दे सकते हैं करंट डिस्पेंसेशन में मीनिंग गवर्नमेंट जो नंबर एक कि... बात आपके लिए दुखद है कि हम हिंदी के विस्तार की आज बात कर रहे हैं मतलब इन अ वे रिवाइवल की बात कर रहे हैं हमारे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और दूसरा ये कि दूसरा सवाल कि जो करंट डिस्पेंसेशन है गवर्नमेंट है उसने हिंदी को बहुत बड़ा तो नहीं किया है क्या ठीक ये दो सवाल पहले वाले का दूंगा मैं दूसरे का ये तो पहले वाले का तो ये है कि दुखद है आपको हमें भी आपसे बहुत सहानुभूति है लेकिन अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो फिर बात आगे तक निकल के जाएगी कैसे इसलिए जो भी हो सबसे पहले जैसा आपने कहा कि हमें अपनी लिमिटेशन भी और हमारे अपनी वास्तविकता भी समझनी चाहिए अगर हमें दिख रहा है कि हिंदी में रोजगार के अवसर पिछले कुछ सालों में लगातार कम हुए हैं तो हम उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और एक्सेप्ट करके बैठ करके चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करके कोई रास्ता निकालना चाहिए अगर हम बात करने पे सोचे कि यार दुख हो रहा है तो दुख दुख में इतना दुख फिर बात कैसे कर पाए तो इसलिए मेरा मानना है बात करना बहुत जरूरी है बात करने से ही कोई बात निकलेगी जो दूर तक जाएगी अगला सवाल आखिरी सवाल है। uh, uh, मेरा नाम सलेल है, मैं आमी में हूँ uh, मेरा सवाल दुबे जी से है कि uh, आप जैसा आपने बताया कि हम लोगों को अपने रोजगार के समय मतलब हम जब अपना काम करते हैं उसके समय में हमें तीन महीने मिलते हैं तो मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगा कि जब uh, आपके वो पांच दिन आपके वो दो दिन के ऊपर हावी होने लगते थे तो वो कैसे आप उसको आ, जो है अपने सवाल है सर और इसका ना जवाब थोड़ा सा ट्रिकी है देखिए क्या है ना मैं हम जब ऑफिस में काम करते हैं तो हम लोग रेटिंग मिलती है हर ऑफिस में है ना कहीं पांच में मिलती है कहीं दस में मिलती है तो हमारे ऑफिस में पांच में रेटिंग मिलती थी पांच होता था सर्वोत्तम एफ फार एक्सीड एक्सपेक्टेशन ठीक चार होता था फार एक्सीड एक्सपेक्टेशन ई और थ्री होता था मीट्स एक्सपेक्टेशन तो जो नाइंटी परसेंट लोग काम करते हैं मीट एक्सपेक्टेशन का लेकिन अपने बॉस से बोलते हैं उन्हें चाहिए एफ ई या ई e, ठीक है मैंने अपना पूरा करियर मीट्स एक्सपेक्टेशन पे बनाया है उससे क्या एडवांटेज होता है <laughs> उससे क्या देखिए मैं बहुत मैथ्स की तरह सोचना चाहिए कभी भी लाइफ को कई बार ना बहुत लॉजिक से सोचना चाहिए जो मीट्स एक्सपेक्टेशन अगर आपकी रेटिंग आती है तो आपकी सैलरी बढ़ेगी दस हजार है ना ओवरऑल इंपैक्ट अगर साल भर का पड़ेगा वैसा और अगर एक्सीड आएगी तो बारह और फार एक्सीड आएगी तो चौदह ठीक है मोटा मोटा यही रेशियो रहता है हर जगह है ना अब आप ये देखिए कि जो चार हजार का आप नुकसान उठा रहे हैं आपको ये विश्वास होना चाहिए कि राइटिंग आपको बाद में दे देगी तो मैंने क्योंकि वो लड़के जब पढ़ाई करते हैं। लड़के तो उन्हें थोड़ा मैंने ऐसा भी देखा है कि आप वहां पे भी अच्छा कर सकते हो और कर सकते हो लेकिन ना हर चीज को ना सर पे तो कभी भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं जैसे ही आपकी मीट एक्सपेक्टेशन आई ना अब आप मालिक हो गए उस कंपनी के आप उतना ही करोगे जितना आपको करना है <laughs> लेकिन यह कोई सही तरीका नहीं है बट मैंने अपना पूरा करियर मीट्स एक्सपेक्टेशन पे बनाया है और मेरे को ई जब भी आई है तो मेरी मेहनत की नहीं वजह से आई है वो इस प्रेशर की वजह से है कि चार साल से एम ही दे रहे हैं इसको इस बार तो ई दे दो <laughs> तो बट ये आप ना जब आप बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड में फंसते हो तो कई बार वो आपको ये देखना चाहिए ना कि देखिये करियर जो है ना वो लंबी चीज है पच्चीस साल लंबी तीस साल लंबी हम नौकरी करते हैं तो कुछ साल आप मेहनत करोगे और खराब रेटिंग आएगी और कुछ साल मैं गारंटी देके कह रहा हूं आप खराब कम कम काम करोगे और अच्छी रेटिंग आएगी इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग रोड रोड आपको हमेशा ना हर चीज को की तरीके से देखना चाहिए हम लोग रिएक्टिव हो जाते हैं अरे रेटिंग इस साल तो नहीं करूंगा काम मैं बॉस चेंज करूं उससे कुछ नहीं होता पैसे बढ़ जाएंगे बॉस की शक्ल बदलने से बॉस की नीयत नहीं बदलती ना तो वो है तो वो आपको हर जगह मिलेगा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा एक आध और लेते हैं सवाल पहले अच्छा बिल्कुल अच्छा ओवर हो समय गया समय खत्म अच्छा। लेकिन दिव्य तो फेस्टिवल में है बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू बहुत हम लोग जो है दिव्य निशांत और अदिति को जेल की साइड से और आप सबकी साइड से भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं एकांक को उनकी सपोर्ट के लिए और मैं ये कह सकता हूं कि आज ये बूढ़ा के अब अपने अंत पे जा रहा है पर बैठ के मैं हर सेशन देखता हूँ बहुत कम ऐसे सेशन होंगे जिसमें इतना तगड़ा एंगेजमेंट था थैंक यू तीनों के तीनों ऑथर्स जो हैं अपनी किताबें साइन करने के लिए यहाँ पर हैं तो आप प्लीज़ इनकी किताबें लिए लाएँ और साइन करवाएँ